सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काइन मास्टर के बारे में कि कैसे उसके फॉन्ट आपको ऐड करने हैं। एंड साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर के लिंक तो मिल जाएगी, लेकिन आपको जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको वहाँ पे ना तो वो 4K सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड ना ही वो जो कैसे मतलब हम ऐड करते हैं टेक्स्ट जो नए फॉन्ट होते हैं उनको। सो वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। पूरी वीडियो को देखोगे तभी आपको वो समझ में आएगा एंड फॉन्ट कैसे ऐड करना है वो भी समझ में आएगा। एंड साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसी लिंक दी है मैंने जिससे आप 4K में एक्सपोर्ट कर सकते हो आपकी वीडियो को, लेकिन वीडियो पूरी देखने के बाद। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। सो सबसे पहले यहाँ पे हम काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आता है इसका, ये नया सबसे लेटेस्ट अभी का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। सबसे पहले प्लस आइकॉन पर क्लिक करते हैं, सोलर जो 9 वाला ले लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ भी यहाँ पे 2-3 इमेज ऐड करके दिखा देता हूँ। चलो ये मैंने ऐड कर ली। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको जो मिलते हैं ट्रांजिशन वो यहाँ पे मिल ही जाते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पे आपको जब इस पर लेयर पे क्लिक करोगे एंड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे कि मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मैंने डाल दिया, डन किया। अगेन टेक्स्ट पे क्लिक करना है फॉन्ट पे एंड यहाँ पे ये फॉन्ट है ये तो मान लो अलग ही लैंग्वेज में है, और एंड्रॉयड फॉन्ट में ये आपको पहले से ही फॉन्ट मिलते हैं जो कि सभी काइन मास्टर में मिलते हैं लगभग ये तो। बाकी जो लैटिन है ये नया फॉन्ट का ऑप्शन आया है, यहाँ पे देख सकते हो कितना मतलब ये अच्छा लग रहा है अच्छे तरीके से। एंड इसको आप बड़ा भी कर सकते हो एंड देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। एंड इसमें आपको फॉन्ट वर्ड ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड किए हुए आते हैं। लेकिन वीडियो को पूरी देखना एंड मैं आपको बताऊंगा ये काइन मास्टर आपके मोबाइल में कैसे सपोर्ट करेगा, मतलब ये सपोर्ट नहीं करता है बहुत से मोबाइल्स में। एंड इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट है, कम से कम 10 से 15 यहाँ पे फॉन्ट है ये। सो यहाँ पे देख ही सकते हो आप कितने अलग अलग फॉन्ट आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि हमें फॉन्ट ऐड करना सिखाओ, फॉन्ट ऐड करना सिखाओ। सो इसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए ऑलरेडी इसमें फॉन्ट दिए गए हैं। अगर हम एक्सपोर्ट करें इसे एंड यहाँ पे देख सकते हो 1440p, उसके बाद यहाँ पे 60fps में यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वीडियो मतलब इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 4K में भी होता है। सो वो सेटिंग आपको कैसे करनी है उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग के आइकॉन पे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो अभी ये बोल रहा है मतलब बता रहा है QHD 1440p तक ही है ये। एंड नीचे आप देख सकते हो पुनः एनक्रोड करने की सीमा 2160p तक ये चला जाता है एंड मोबाइल का नाम आप यहाँ पे देख ही सकते हो। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अभी विश्लेषण चलाए, सो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है, सॉरी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको वेट करना है कुछ सेकंड का, 3 से 5 मिनट का, लेकिन ये 2-3 मिनट में हो जाता है। एंड यहाँ से मैं वेट करके आपको आगे बताता हूँ कि आगे क्या करना है। सो गाइस यहाँ पे देखोगे ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब भी ये QHD 1440p में ही है। इसका मैं आपको मेन रीज़न बता देता हूँ, इसका मेन रीज़न ये है कि जहाँ तक मेरा मतलब मोबाइल की जो कैपेसिटी होती है परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से ये 1440p तक ही सपोर्ट करता है। बाकी अगर आप इसको एक बार इसकी जो डेटा है उसको क्लियर कर देते हैं रेडमी इस मोबाइल में एंड अगेन आप स्टार्ट करते हैं इसे, सो उसके बाद आपको वो 2160p बता देगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है जो सेकंड लास्ट वीडियो वो जाके देख सकते हो आप, यही काइन मास्टर मैंने बताया हुआ है एंड देख भी लेना ये वर्ज़न, यहाँ पे आप देख भी लेना, यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड के सामने। लेकिन ये परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल की कैसी परफॉर्मेंस, हार्डवेयर कैसा है, साथ में ये एनालाइज करता है हार्डवेयर को, उसके बाद ये अपने हिसाब से कि इस मोबाइल में कितनी यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से यहाँ पे ये HD के बारे में हमें बताता है या फिर यहाँ पे सेट कर देता है ये ऑटोमेटिकली। सो आपको यहाँ पे विश्लेषण ज़रूर करना है ताकि आप बाद में परेशान ना हो एंड ये काइन मास्टर आपके मोबाइल में बार 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 यहाँ पे ऑफ ना हो। एंड आप ये कर लोगे मैंने जो बताया, सो ये बिल्कुल आपके मोबाइल के साथ परफेक्ट चलेगा, यानी कि इसमें आपके मोबाइल के एनालिसिस कर लेगा एक बार ये, उसके बाद ये बिल्कुल हैंग नहीं होगा एंड बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में वाटरमार्क तो इसमें है ही नहीं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।